माफ कीजिएगा, ओरिजिनल राइटर्स एसोसिएशन का कार्यालय यही है? हाँ यही है, आप कौन? जी मैं मुसद्दी, एक लेखक हूँ, ये लेखक संघ का सदस्य बनना चाहता हूँ। क्या 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 बनना चाहते हैं? लेखक संघ का सदस्य बनना चाहता हूँ। भाई साहब हिंदी में बोलो ना यार। हिंदी में ओरिजिनल राइटर एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहता हूँ। तो क्या नाम बताया था आपने? जी मुसद्दी। हाँ तो मुसद्दी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं दिनांक 19 को इसी वर्ष के दूसरे माह बनारस से पलायन करके इसी वर्ष के दूसरे माह दिनांक 20 को यहाँ इस महानगरी में आ पहुंचा। मुसद्दी जी आपको हिंदी आती है? जी आती है। तो प्लीज हिंदी बोलिए ना। हिंदी तो बोल रहा था। किसने बोला आपको ये हिंदी है? हिंदी तो वो होती है जो हिंदी फिल्मों में बोली जाती है। नहीं नहीं वो तो दूषित है। वो जो भी है लेकिन हमको वही समझ में आती है, कृपया वही बोलें। अच्छा ठीक है। क्या है कि अपन बनारस से आपके एसोसिएशन का मेंबर होने के वास्ते इधर आ पहुंचा है। तब बताइए कि लाइफ मेंबर बनेंगे कि ईयरली मेंबर? दोनों में फर्क है। लाइफ मेंबर के लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे और ईयरली मेंबर के लिए आपको 500 रुपए साल और 1,000 रुपए डोनेशन। तो एक साल की ही मेंबरशिप दे दीजिए। पहले पानी तो पी लीजिए। जी थैंक यू। उषा जी मुसद्दी जी के लिए फॉर्म ला दीजिए। जी अभी ला। तो मुसद्दी जी आप सॉन्ग राइटर हैं या स्क्रिप्ट राइटर? स्क्रिप्ट राइटर हूँ। ओके आप खाली राइटर हैं या घोस्ट राइटर? ये घोस्ट राइटर क्या होता है? ये एक महापुरुष होता है जो राइट तो करता है लेकिन घोस्ट की तरह नजर नहीं आता। नहीं 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 मैं तो नजर आता हूँ ना, ये देखिए ये मैं नजर आता हूँ। कितना टाइम हुआ है इंडस्ट्री में? 7 महीने हुए हैं। थोड़ा टाइम जाने दीजिए, नहीं नजर आएंगे आप। ये लीजिए फॉर्म। जी थैंक यू। थैंक यू नहीं, 10 रुपए। अच्छा 10 रुपए ठीक है। पर मेरे पास तो ये 20 रुपए हैं। ये लीजिए, क्रिएट कर दी ना प्रॉब्लम आपने। कैसी प्रॉब्लम? अरे छुट्टे की। नहीं तो आप बाहर जो लोग बैठे हुए उनसे ले लीजिए ना। हमारे पूरे स्टाफ के पास छुट्टा होता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? भूल जाइए। यही तो, कल आके फॉर्म भर के दे दो और 2 राइटर्स के साइन लेके आओ जो हमारे मेंबर्स हो। जी ठीक। आपकी कोई फिल्म या आपका कोई सीरियल तो रिलीज नहीं हुआ होगा ना? नहीं नहीं लेकिन मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, एक चुल्लू पानी। अरे तो अच्छा है ना, फिर वो प्रोड्यूसर से एक लेटर ले आओ ना कि तुम उसकी फिल्म लिख रहे हो। ओके। और 2 फोटो छोटी छोटी वाली। ओके। तो क्या क्या लाएंगे आप? 2 तो राइटरों के साइन लेके आऊंगा। हाँ। उसके बाद 2 छोटे छोटे वाले फोटो लेके आऊंगा। बराबर। एक प्रोड्यूसर का लेटर लेके आऊंगा। राइट। तो और कुछ तो नहीं लाना ना? अरे वाह 1500 रुपए कौन लाएगा? मैं भूल गया, बिल्कुल सॉरी। बस 1500 रुपए आप कल पटेल साहब के पास जमा करा दीजिए। ओके बाय। ओके अच्छा जी। उषा जी लाइए 20 रुपए और ये लीजिए 10 रुपए छुट्टा, 10 रुपए के समोसे ले आइए प्लीज। चलाती है हजारों रंग के सितारे बन गए। अरे ये क्या तमीज है? ये तमीज है जी? नहीं है तो बदतमीजी। तो फिर आपने क्यों कहा तमीज है? क्योंकि मुझ में तमीज है। अच्छा कितने घंटे हो गए इंडस्ट्री में आए? मतलब 9 महीने हुए हैं। साल भर होने दो, सब भूल जाओगे। क्या फॉर्म जमा कराना है? हाँ पटेल साहब करते हैं। ये फॉर्म भर के शुक्ला जी के साइन ले लीजिए और फिर आइएगा। ओके मेरा सही आ गया पठानकोट वहां से लाया। पटेल साहब ये पहचाना आपने? गिरधारी कैसे हो? नहीं गिरधारी नाम नहीं है मेरा। मुरारी मुरारी कहाँ थे इतने सालों तक? नहीं मुरारी नाम नहीं है मेरा, मेरा नाम मुसद्दी लाल है। तो पहले क्यों नहीं बताया? पहचानो पहचानो तो ऐसे बोले थे जैसे सलीम जावेद हो। नहीं वो क्या ये फॉर्म जमा करना था ये। अरे सॉरी आप इस एसोसिएशन के मेंबर नहीं है? जी नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। आई एम वेरी सॉरी। एनीवे फॉर्म जमा कर दो और 1500 रुपए दे दो। जी ये फॉर्म तो मैं लाया हूँ और ये 1500 रुपए भी लाया हूँ लेकिन वो साइन नहीं मिले। अरे आपके खुद के साइन नहीं मिले? ऐसा ऐसा करके कर लेने का। नहीं मेरे अपने साइन तो मेरे पास हैं लेकिन वो 2 राइटरों के साइन नहीं मिले। ओ फिर उसके बिना तो नहीं हो सकता। उसके बिना जमा नहीं कर सकते? नहीं रूल नहीं है ना। तो साइन कहाँ से लाऊं? यूं तो बुझ चुका था तुम्हारे हुस्न का हुक्का, यूं तो बुझ चुका था तुम्हारे हुस्न का हुक्का, एक शुक्ला ही है जो गुड़गुड़ाया जा रहा है। अरे वाह आपको तो राइटर होना चाहिए था। भैया हम राइटर हैं, 10 साल से राइटर हैं। क्या हाँ। आप राइटर हैं? हाँ। अरे भाई एक साइन तो मिल गए। क्या हाँ तो बस ठीक है, ये जरा इसके ऊपर
आप साइन कर दीजिए। यहाँ तो राइटर के साइन चाहिए ना। पर अभी अभी आपने कहा ना कि आप तो राइटर हैं। पटेल, हमने कहा क्या कि हम राइटर हैं? हाँ, वो मुंह से निकल गया, अब कर दो साइन। यार मुंह भी बड़ी अजीब चीज होती है। लीजिए, हो गया साइन। चलिए, एक साइन तो हो गए, अब और कोई राइटर है यहाँ? वो आदमी देखे जो सो रहा है, वो राइटर है। अच्छा, क्या नाम है उनका? पांडे। पांडे, तुमने मुझे पांडे कहा? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। अरे रजिस्ट्रेशन कर तो दीजिए, बाद में कैंसिल कर दीजिएगा। वो नहीं, नहीं होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? मतलब हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता। कोई चांस ही नहीं? कोई चांस ही नहीं है। पक्का है? पक्का। यकीन है आप? यकीन है। एक सेकंड। अरे साहब, ये पैसे जरा वापस दे दीजिएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया। देखिए, अगर आप इस फॉर्म पे साइन कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? आप एक राइटर है ना? मैं? हाँ, साइन करूंगा। हाँ, जिस राइटर को बात करने की तमीज नहीं है, पांडे जी, उसके फॉर्म पे साइन करेंगे? कभी नहीं। क्या हुआ क्या पांडे? ओहो, पांडे जी बताएंगे हुआ क्या। अरे क्या कोई गलती हो गई पांडे? पांडे जी बताएंगे गलती क्या है। क्या हुआ क्या पांडे, पता तो चले। वो पांडे जी जिसने 3.5 फिल्में लिखी हैं। अच्छा, 3.5 मतलब 3 पूरी और 1 आधी? नहीं, 7 आधी। चलो 7 आधी लिखी। हुआ क्या पांडे? अरे इतनी देर से पांडे के आगे खुद ही जीजी लगाए जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या गलती की तूने? ओहो, सॉरी 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 पांडे जी, पांडे जी वेरी सॉरी, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा प्लीज। कहाँ साइन करना? लाओ। क्या? राइटर हूँ, बगैर लिए कुछ नहीं लिखता, अपने सिग्नेचर तक नहीं। अच्छा, ओके ओके ओके, ये लीजिए 10 रुपए। बस इतने कम? तो क्या तुम सलीम जावेद हो जो इससे ज्यादा दूंगा? आजा बेटा, स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन कराने, साइन तो मैं ही करूंगा। पैसे लाइए। कितने? 1500 रुपए, 500 फीस 1 साल की और 1000 डोनेशन। कुछ कम नहीं हो सकता? क्या डोनेशन? हाँ। नहीं, डोनेशन को तो चंदा कहते हैं ना। और वो तो जो अपनी मर्जी से दिया जाए उसको चंदा कहते हैं। हम अगर जो अपनी मर्जी से लिया जाए उसे चंदे का धंधा कहते हैं। तो ये चंदे का धंधा है? हाँ। बड़ा गंदा है, है? नहीं, कुछ नहीं। लाइए। आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब आप कम नहीं करेंगे? हाँ, ऑलमोस्ट। देखिए, अब ज्यादा इंसिस्ट मत कीजिए वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आपको मेंबर बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? और नहीं बनाया तो 2 बात होगी, या तो आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर होगी या तो नहीं होगी। होगी कैसे? और नहीं हुई तो 2 बात होगी, या तो आपकी स्क्रिप्ट कोई और चुरा लेगा या तो नहीं चुराएगा। नहीं चुराने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और चुरा ली तो। देखिए, ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। बड़ी मेहनत से लिखी है मैंने, 1 चुल्लू पानी, अगर कोई चुरा के ले गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ, तो फिर लाइए 1500। तो ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये। ओके, वेरी गुड। अब बताइए नाम। जी, नाम? मुसद्दीलाल बच्चन। बच्चन? अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार तो नहीं? काश ऐसा होता। उदास मत हो जाओ, बस अब आप रजिस्टर हो गए और यहाँ के मेंबर बन गए, मुबारक हो। मुबारक हो भाई, इसमें तो मिठाई होनी चाहिए। जी 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 जी, क्या खिलाओ ना। तो कल ले आऊंगा। जो सर, कल पे एक बात लिखी है कि टुमारो करे सो टुडे कर, और टुडे करे सो कर टू नाइट, इन अ फ्यू सेकंड पर लय होगा, कब लेगा मिठाई की भाई। वाह 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 वाह, ये आज ही लिखा है शुक्ला जी? यस सर, शेक्सपियर इन लव। अरे भाई देखिए, अब तो शेक्सपियर भी इन्वॉल्व हो गया। लाइए 200 रुपए। 200 तो नहीं है मेरे पास, बस ये 100 रुपया बचा हुआ है, वो ले लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब फिल्म हिट हो जाएगी तो आपसे डबल मिठाई खाएंगे। तब तो मैं पार्टी दूंगा। पूजा भाई जी आई। ये लो भाई 20 रुपए, इसकी मिठाई लाके सारे स्टाफ में बांट दो, मैं बाहर ही खा लूंगा। ओके बाय। अब 20 रुपए में मिठाई कहाँ से आएगी पूरे स्टाफ की? यही तो, मैं चाय बिस्कुट लाती हूँ। कोई बात नहीं, आप ज्यादा पैसे मत दीजिए, ये लीजिए, और कल आपका आई कार्ड बन जाएगा। ओके सर, ये स्क्रिप्ट रजिस्टर होना बाकी है। अरे हाँ हाँ, अभी कर देते हैं। कितने पेजेस हैं? 272 है। 272 तो 1 रुपए के हिसाब से हो जाते हैं 280। 272 होने चाहिए ना। तो 8 रुपए मेरे पास छुट्टे नहीं होंगे ना शायद, इसलिए 280 मांग रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब शुक्ला जी से मोहर लगवा लीजिए आप। अरे डायलॉग पे मोहर क्यों लगा रहे हैं, साइड पे लगाइए। क्या फूल है? फूल नहीं, रूल है, डायलॉग को ऊपर ही मोहर लगाते हैं। हाँ तो थोड़ी सी लगाइए ना, ताकि बाकी आदमी पढ़ तो सके। अरे फिर वैसे ही लगा दी। आप एक काम करिए। क्या? सीढ़ी देखिए ना, उससे नीचे जाएंगे तो बिल्डिंग की गेट मिलेगी। हाँ, उसी गेट से तो मैं अंदर आया हूँ। बस उसी से बाहर चल जाइए। मैं
हाँ, वहां जब गेट से बाहर निकलेंगे, बाएं 10 कदम जाने के बाद पीछे मुड़ के देखिएगा तो गेट के बाद एक पान की दुकान मिलेगी, वहां से पान लेते आइए ना। मैं आपके लिए पान बंधवा के लाऊं? हाँ। मैं राइटर हूँ तो मतलब मैं राइटर होके पान बंधवा के लाऊं? अरे तो मैं राइटर होके पान खास रखता हूँ, तो आप राइटर होके पान नहीं ला सकते? जी हाँ, जी पान ले आया। अच्छा, राइटर होके पान बनवा के लाता हूँ। ये लीजिए शुक्ला जी। वाह, आप पान ले आए, आपका भी काम हो गया। अरे बात है, तो ये कहाँ जाकर ना यहाँ? अरे यार, थोड़ा पेशाब करने जाऊंगा, मोहर के चक्कर में बहुत। हाँ तो लेकिन मेरा स्क्रिप्ट क्यों साथ ले जा रहे हैं? साथ नहीं ले जा रहे, पांडे जी को देने जा रहे हैं। पांडे जी को क्यों देंगे? अरे पांडे जी मोहर पर साइन करेंगे तभी तो रजिस्टर होगी ना। आइए। ओ देख लीजिए पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, साइन सर, साइन। स्क्रिप्ट का नाम क्या है? एक चुल्लू पानी। ओरिजिनल कहानी है? जी हाँ, मेरी अपनी कहानी है, मैंने अपनी कल्पना से लिखी है। हमें लगा पेन से लिखी है। नहीं जी, कुछ नहीं, लव स्टोरी होगी? नहीं नहीं, लव स्टोरी नहीं है, जरा अलग से कहानी है ये। थोड़ा हटकर तो नहीं है? हाँ, थोड़ा हटके है। सब लोग यही बोलते हैं। नहीं नहीं, मेरी कहानी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हटके है। क्या होता है कि एक गाँव के अंदर एक लड़का है, वो एक लड़की का रेप कर देता है, तो उसकी माँ उसको बहुत मारती है और उससे कहती है जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। तो पूरे गाँव में चुल्लू भर पानी की तलाश करता है, लेकिन गाँव में अकाल पड़ा हुआ है, पानी है ही नहीं। तो पानी की तलाश में यहाँ मुंबई आ जाता है, सीधा पवई लेक जाता है। वहां जाता है तो एक लड़की कपड़े धो रही है, वो उस लड़की का रेप कर देता है। क्या? हाँ, मतलब थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है ना। क्या है कि बचपन में ही उसकी बहन का रेप हो गया था, तो वो जिस लड़की को भी देखता है उसका रेप कर देता है। रेप के बाद उसके कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजती रहती है, चुल्लू भर पानी में डूब मर, चुल्लू भर पानी में डूब मर, चुल्लू भर पानी में डूब मर, चुल्लू भर पानी में डूब, गूंजती रहती है। तो पानी की तलाश में समंदर के किनारे आता है और वहां उसे एक लड़की मिलती है। हाँ, तो उस लड़की का ना वो रेप कर देता है। हाँ, बस आगे नहीं सुनाऊंगा मैं। अरे क्यों? नहीं, कोई चुरा ना लेना कहानी। अरे कैसे चुराएगा, कहानी रजिस्टर हो रही है, कौन चुराएगा? हाँ वो तो ठीक है, बात तो ठीक है, इसके बाद तो बहुत ही खतरनाक मोड़ है कहानी में। उस खतरनाक मोड़ को सुन के ही तो शाहरुख खान ने पिक्चर साइन कर ली थी। शाहरुख है? हाँ, अभी और कितना टाइम रह गया? अरे अभी आधी तो हुई है। ये लो। क्या बज गए? क्या? अरे कल आके ले जाना। नहीं पर अरे परवर क्या, यहाँ से कोई चुरा के थोड़ी ले जाने वाला, कल आना। नहीं लेकिन अच्छा ठीक है, कल कितने बजे आऊं? कल 12 बजे। 12 बजे आप भी लो भाई। अरे उषा जी, किसी का जन्मदिन है, मिठाई मिठाई बट रही है? नहीं नहीं, पांडे जी को फिल्म मिली है ना 5 साल बाद। अच्छा? हाँ भैया, पूरे 5 साल बाद पिक्चर साइन की है इन्होंने। अरे मुबारक हो पांडे जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। पांडे जी मिठाई से काम नहीं चलेगा भाई, रात को बोतल खुलेगी। अरे उसका इंतजाम तो पहले ही हो गया है। अच्छा वो मेरी स्क्रिप्ट का क्या हुआ? कौन सी? एक चुल्लू पानी। उषा जी इनकी स्क्रिप्ट दे दो और वो आई कार्ड भी दे देना। जी थैंक यू थैंक यू। आओ। मैं? ये लो। ये? कूटो? हाँ कूटो, तब तक फाइल लाती हूँ। माता जी देखना देखना, पांडे जी की ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली, सिल्वर जुबली होगी। नहीं नहीं, सिल्वर जुबली नहीं, गोल्डन जुबली होगी। अरे गोल्डन जुबली क्या, प्लैटिनम जुबली होगी। अरे फिल्म रिलीज तो होने दो, फिर देखना। अभी 6 महीने में रिलीज हो जाएगी। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो पांडे जी, आज आपकी फिल्म रिलीज हो गई है। 15 साल लग गया स्ट्रगल में। अरे सर नाम क्या रखा है? एक लोटा पानी। सब जगह हाउसफुल जा रही है। आई एम प्राउड ऑफ दिस बॉय। ओरिजिनल राइटर एसोसिएशन, ओरिजिनल राइटर एसोसिएशन। अरे भाई क्या हो गया, पूरी एसोसिएशन को क्यों हिला रहे हो? किसी ने मेरी कहानी चुरा ली। क्या, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे इंसाफ दिलाएं। अरे जरूर मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा और साथ में हर्जाना भी मिलेगा 5 लाख। यही तो, कौन है वो चोर राइटर जिसने चुराई है? अरे कोई पांडे पांडे करके है। पांडे, पूरा नाम क्या है उसका? पूरा नाम तो मुझे पता नहीं। एक मिनट, फिल्म का नाम क्या है? एक लोटा पानी। अरे ये तो अपने पांडे जी की पिक्चर है। क्या तुमने मेरी कहानी चुरा ली? दिमाग खराब हो गया आपका? कभी कहते हो किसी पांडे ने चुराई, कभी कहते हो मैंने चुराई, कहना क्या चाहते हो आप? अरे तुम्हारा नाम भी तो पांडे ही है। मैं पांडे नहीं हूँ, पांडे जी हूँ। अरे तुम जो भी हो, एक लोटा पानी एक चुल्लू पानी को चुरा के बनाई गई है। झूठ बोलता है ये, एक लोटा कहानी मेरा ओरिजिनल थॉट है। तो मेरा ओरिजिनल थॉट है। अरे मेरा ओरिजिनल। एक मिनट,
आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अब तो क्या करूं, पिछले 1.5 साल से मैं धक्के खा रहा हूं। 2 दिन बाद मेरी पिक्चर का मुहूर्त होने वाला था, मेरे प्रोड्यूसर ने जाके देख ली एक लोटा पानी और उसे कैंसिल कर दिया मुहूर्त। एक चुल्लू पानी मेरी कहानी है और तूने चुराई एक चुल्लू भर पानी में डूब मर। भाई साहब देखिए, आप रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए, हम सब आपकी कहानी सुनेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। हाँ जी, स्क्रिप्ट तो हमने आपकी पढ़ ली है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि एक लोटा पानी की कहानी इसे मिलती है? उसके लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो दिखाओ ना फिर। है जी? हाँ यार, फिल्म दिखा दो, बड़े दिनों से फिल्म देखी भी नहीं है। मैं अपने वाइफ को भी साथ में ले लूंगा, डोंट माइंड ना। यही तो, मेरा बिल्लू मेरी सास के साथ आएगा। अभी ना, मेरा दोस्त है पान वाला चौरसिया, बार बार कह रहा है पिक्चर दिखाओ। नो प्रॉब्लम। 2-3 कुल मिला के हो गए 8 लोग, और आपको और पांडे को मिला के हो गए 10 लोग। कल मैटनी शो देख ही लेते हैं। अभी जाइए, लाइन में लग जाइए, मैंने सुना हाउसफुल जा रही है। जी तो देखना, इंटरवल में समोसों का इंतजाम जरूर कर लेना, बाद में क्या होता है खत्म हो जाते हैं फिर वो। जी क्या पांडे जी, क्या फिल्म लिखी है आपने? इससे तो राइटिंग की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। अरे सर, हमने तो पान थूकने के लिए भी नहीं उठे, वहीं थूकते रहे। यही तो, मेरा बिल्लू भी एक टक देखता रहा। थैंक यू। मेरे बारे में क्या विचार है जिसने ये फिल्म दिखाई है? अरे यार, तुम समोसे ही ठंडे ले आए, तुम्हें समझाया भी था। मैं ना आपको समोसों की गर्म कढ़ाई में बैठा दूंगा, आप मुझे इंसाफ दिला दीजिए, इसको सजा दिलाइए और मुझे हरजाना भरवाइए। देखिए भाई साहब, हमने इनकी महान फिल्म देखी है, अब हमारी इंटरनल मीटिंग होगी वापस, और फिर आपकी स्क्रिप्ट वापस पढ़ेगी। ओके, एक बार तो पढ़ चुके, आप कितनी बार पढ़ेंगे? देखिए भाई साहब, वो जो हमने पढ़ा था ना, वो एक चुल्लू पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, अब एक लोटा के पानी को पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे सिमिलरिटी भी, तो आपका हरजाना दिलवा देंगे ना। देखिए मुझे आप ही से उम्मीद है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारी ओरिजिनल राइटर्स एसोसिएशन की कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो सच्चा होगा और ओरिजिनल होगा। नो 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 नो, एक चुल्लू पानी ओरिजिनल कहानी है। थैंक यू। एक लोटा पानी भी ओरिजिनल कहानी है। थैंक यू। अरे मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरी कहानी चुराई है। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? देखिए समझिए, मेरी पिक्चर के अंदर एक लड़का एक लड़की को गांव के अंदर रेप कर देता है, उसकी माँ उसको बहुत मारती है और कहती है जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। मेरी पिक्चर में बाप बेटे से बोलता है कि एक लोटे पानी में डूब मत। तो बात तो एक ही हुई ना, उसके बाद मेरा हीरो जो है वो पानी की तलाश में यहाँ मुंबई आ जाता है। यही तो, इसका हीरो तो स्विट्जरलैंड जाता है ना पानी की तलाश में। उसके बाद मेरा हीरो यहाँ मुंबई में पवई लेक के पास पहुँचता है, एक लड़की को देखता है और उसको रेप पर डालता है। नहीं, मगर इनका हीरो स्विमिंग पूल में जाता है ना, तो फर्क है ना सदी भाई। तो क्या फर्क है भाई उसमें, मेरी फिल्म में 6 रेप है और इसकी फिल्म में 6 रेप है। आपने लास्ट वाले सीन में नहीं देखा हीरो को गोली मार देता है उसका बाप? हाँ तो मेरी फिल्म में माँ गोली मार देती है, बाकी तो सेम टू सेम। अरे क्या सेम टू सेम है, कहाँ बम्बई कहाँ स्विट्जरलैंड। यही तो, कहाँ लेक कहाँ स्विमिंग पूल, कहाँ 6 रेप कहाँ 6.5। दरअसल मुसद्दी भाई, आपको भ्रम हो गया है, हमारे बेचारे पांडे जी ने पहली बार ओरिजिनल कहानी लिखी है। और मैंने? आपने भी ओरिजिनल कहानी लिखी है। देखिए क्या होता है कि आप दोनों राइटर हैं और आप दोनों इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सोच मिल जाती है, बस वही सेम है, बाकी तो एकदम डिफरेंट है। मतलब मेरी कहानी चोरी नहीं हुई? अरे हो ही नहीं सकती, ओरिजिनल राइटर एसोसिएशन के राइटर की कहानी चोरी हो ही नहीं सकती। मुसद्दी भाई, आपके पास तो कॉपीराइट है ना? अरे वही कॉपीराइट तो कॉपी हो गया है, किसी ने कहानी चुरा ली है, कहाँ का कॉपी कहाँ का राइट, हमारे देश में कॉपीराइट है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, हमारे देश में तो सबसे ज्यादा कॉपी का राइट है। क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ कॉपीराइट का मतलब होता है राइट टू कॉपी। अच्छा।